चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, फूड हैबिट्स के बेसिस पे एनिमल को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और इन बेसिक फंक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो आपके लाइफ प्रोसेस जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें पांच आपका बेसिक फंक्शंस कौन कौन सा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सारे जो आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड ऑप्टेन करते हैं तो न्यूट्रिशन हो जाएगा, एनर्जी ऑप्टेन कर रहे हैं तो इंजेस्ट ऑफ फूड और गेनिंग ऑफ एनर्जी, ये प्रोसेस कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। उसके बाद रेस्पिरेशन, जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सक्रीशन, जो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्टों का एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद जो आपका एनर्जी जो हम गेन कर रहे हैं, उससे हमारा बॉडी बिल्डअप होता है, तो ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है ऑर्गेनिज्म जो है, वो मूवमेंट कर सकते हैं, और जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके आपके अगेंस्ट में जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस चीज़ का ज़रूरत होता है, फूड का ज़रूरत होता है, ताकि वो बॉडी में जो है एनर्जी प्रोवाइड कर सके और उस एनर्जी का यूज़ करके वो अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड इनटेक करते हैं, और वो फूड जो है बॉडी में जाने के बाद बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बॉडी जो है वो इस फूड का यूटिलाइजेशन करते, यूटिलाइज करके एनर्जी गेन करते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, न्यूट्री, न्यूट्री मीन्स होता है नरिश। तो आपने क्लास सिक्स में पढ़ा होगा कि फूड जो है वो लार्ज नंबर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपका जो होता है, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है ये बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो खाने का जो तरीका होता है, किस तरह से वो फूड ऑप्टेन करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड कहाँ से ऑप्टेन कर रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे एनिमल पे वो डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम वैसे न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा। तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करने वाले कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होता है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जिस प्लांट के पास ये ग्रीन पिगमेंट होगा वही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और अपना खाना जो है ग्लूकोज के रूप में वो प्रिपेयर करेंगे। तो ज़्यादातर जो आप देखते हो प्लांट, वो सारे ग्रीन प्लांट होते हैं, कुछ को छोड़कर। तो ये जो ग्रीन प्लांट है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो आपके लीफ रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फूड जो है वो कहाँ पे प्रिपेयर होगा, लीफ रीजन में प्रिपेयर होगा। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो
आपका खुद से खाना प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो वैसे एनिमल जो खुद से खाना नहीं प्रिपेयर कर पा रहा है और दूसरे पे डिपेंड है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म डैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिराइव फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे हेटरोट्रॉफ्स, और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर आप अपने डेली जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर आप उसका एक लिस्ट तैयार करोगे कि हम दिन भर में कौन कौन सा खाना खा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो खाना जो है हम या तो प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं या तो हमें एनिमल दे रहा है। जैसे आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये सब जो आप खा रहे हो वो हमें कौन देता है, हमें प्लांट से मिलता है। जबकि आपका एग हो गया, मीट वगैरह हो गया, कर्ड हो गया, ये सब जो आपके फूड है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ये हमें एनिमल्स दे रहे हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलता है या वो हमें एनिमल्स देते हैं। उसके बाद जो है सम प्लांट्स जो है, जैसे कि आपके हो गए वेनस फ्लैट ट्राइप और आपके हो गए पिचर प्लांट, तो ये कुछ प्लांट्स जो है वो अपना जो वो क्या करते हैं, ये हेटरोट्रॉफ्स कैटेगरी में आते हैं। ये जो है वो अपना खाना के लिए जो है वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और इन्हें इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है, क्योंकि वेनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप करके वो फूड के रूप में वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो अपना खाना खुद से भी प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो जब खुद से ये खाना जब प्रिपेयर करेगा तो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा, और जब ये इंसेक्ट को ट्रैप करके ये लेंगे फूड के रूप में तो ये कहलाएंगे हेटरोट्रॉफ्स।